तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। तो दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए नए नए मल्टी बैगर स्टॉक्स लेके आते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का एक ही तरीका है, पेशेंस। जितनी आप में पेशेंस होगी, उतना ही आसानी से आपका यहाँ पर पैसा बनेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यदि आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को होल्ड करते हो, तो आपका पैसा बाय डिफॉल्ट बनता है। इसको आज हम प्रूव करेंगे। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आज का स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। लेकिन नए आए हो, सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 5 डेज का परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पे 3% की गिरावट है, और 1 मंथ में देखो 10% की रैली जो है यहाँ पे चार्ट में दिख रही है। 6 मंथ में देखोगे और भी बढ़िया रिटर्न्स हैं, 66% के रिटर्न्स हैं, जबकि 1 ईयर में 62% के रिटर्न्स हैं। लेकिन दोस्तों 5 ईयर्स में देखोगे ये स्टॉक 923% के रिटर्न्स दे चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 5 सालों में ये जो स्टॉक है अपने निवेशकों का पैसा 10 टाइम से भी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो ऐसे होता है दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे आप देख के हैरान हो जाओगे, 26,000% नियरली 26,000% के रिटर्न्स बने हुए हैं। मतलब यदि किसी ने इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में निवेश किया हुआ है तो उसके पैसे करोड़ों में बन गए हैं। यहाँ पे देखो 1 जनवरी 1999 को ये की स्टॉक की जो प्राइस है 0.80 रुपीज़ थी, तो आज ये जो स्टॉक है 205 पे है। उस टाइम यदि किसी ने 1 लाख रुपीज़ निवेश करके इसको अब तक होल्ड कर लिया होता तो उसकी वैल्यू है नियरली 2 to 3 करोड़ हो गई होती, 3 करोड़ के अराउंड हो गई होती। तो पैसा बाय डिफॉल्ट बनता है, पैसा अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में बनता है। तो आइए इसके फंडामेंटल देते हैं, लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। तो इतने बढ़िया रिटर्न्स देने के बाद क्या ये जो स्टॉक है ये अच्छे रिटर्न्स देगा? यहाँ पे 2 दिन पहले की न्यूज़ आ रही है दोस्तों, इस स्टॉक में जो है वो रिकमेंडेशन भी आ रही है, पहले इसकी जो बाई की कॉल आ रही है, और ये जो स्टॉक है 52 वीक हाई पर चला गया है और इसने अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर दिया है। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड है दोस्तों, ये स्टॉक अब ब्यूलिश ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे आप देख सकते हो। ब्यूलिश ट्रेंड है इस स्टॉक में, बहुत ही बढ़िया जो है एक तरह से स्टॉक जो रिटर्न्स दे चुका है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, नॉन फेरस मेटल्स में डील करती है, और दोस्तों दिस कंपनी हैज़ गिवन एक्सलेंट रिटर्न्स एंड मार्केट मोजो इज गिविंग होल्ड कॉल फॉर द स्टॉक। तो डिफरेंट जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो भी इस पे जो है होल्ड की कार ले रहे हैं। इसकी यदि हम मूविंग एवरेज देखें तो ये जो स्टॉक है 5 डे 20 डे 50 डे 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, एंड दिस हैज़ गिवन 69% परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। जबकि सेंसेक्स देखें तो 23% के रिटर्न्स दिए हैं। द रिसेंट सर्ज इन दिस स्टॉक इज ए पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी एंड इट्स इन्वेस्टर्स विद ए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द पास्ट ईयर एंड ए होल्ड कॉल फ्रॉम द मार्केट मोजो द कंपनी सीम्स टू बी स्टेडी ग्रोथ पाथ इन द नॉन फेरस इंडस्ट्री। तो आइए आप इसके फाइनेंशियल देखने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल किस तरह के हैं। रिटर्न्स तो बहुत ही अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं वो एक बार जानने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले इसका क्वार्टरली जो डाटा है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जून का यदि रिजल्ट देखें जो हमारे पास लेटेस्ट है, तो यहाँ पे रेवेन्यू देखो 19% के हिसाब से जंप कर गया है, और इसका जो एक्सपेंस भी चलो 23% के हिसाब से जंप कर गया है, लेकिन नेट इनकम बॉटम लाइन देखें तो 34% के हिसाब से बढ़ गई है, क्योंकि मार्जिन्स भी 13% के हिसाब से इम्प्रूव हुए हैं। और यदि इसका चार्ट देखो तो ये देखो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे अब कंपनी की जो टॉप लाइन है वो बढ़ रही है, ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे क्लियरली एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रही है। अब जीयर ऑन जीयर बेसिस पे डाटा देखें तो फाइनेंशियल लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स में ये देखो इसका जो टॉप लाइन है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कंटिन्यूसली एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो यही इंडिकेशन होती है दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक की। और यहीं पर ट्रेंड देखें तो इसका जो रेवेन्यू है 8.84% के हिसाब से बढ़ गया है, और इसका जो नेट इनकम है 22% के हिसाब से बढ़ गया है इन द फाइनेंशियल ईयर 24, एंड मार्जिन्स देखें तो वो 12% के हिसाब से बढ़ गए हैं। तो ईबिटा भी 26% के हिसाब से बढ़ गया है। अब इसकी बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट में बहुत ही अच्छा सुधार हो रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में देखो कंपनी के टोटल एसेट्स है ये जो ब्लू कलर में हैं कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, और लाइबिलिटीज जो है वो स्टेबल हैं। तो लाइबिलिटीज आर वेल कवर्ड,
तो बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे देखो कैश में 59% की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इन द फाइनेंशियल ईयर 24, एंड टोटल एसेट 14% के हिसाब से बढ़ गए हैं, लाइबिलिटीज़ भी 16% के हिसाब से बढ़ गई हैं, टोटल इक्विटी 5 बिलियन की है, जबकि शेयर आउटस्टैंडिंग बहुत ही कम है। एक लो डेब्ट कंपनी है, 178 मिलियन की जो है वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही कम है। प्राइस टू बुक रेशो इसकी 7 के अराउंड चल रही है। रिटर्न ऑन द एसेट्स देखो तो 7% की है, रिटर्न ऑन द कैपिटल भी बढ़िया है 13% की है। तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, वैल्यूएशन भी ठीक लग रही हैं, तो निवेश का अच्छा मौका है। होल्ड की कॉल आ रही है, पीई मल्टीपल 46 के हैं, तो यहाँ पे आप सिप कर सकते हो। सिप का दोस्तों एक अच्छा तरीका है निवेश करने का, इस तरह के फंडामेंटल वाले स्टॉक को हम आपको सिप करने की ही राय देंगे। सिप का मतलब है धीरे धीरे एक्युमुलेट करो, एवरेज करो, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर ऐसे ही स्टॉक लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन।